डॉक्टर हो रहा है मेरे राजा शर्मा हो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर रखी है। इतना ही नहीं, पुलिस ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित हैं। ₹42,000 करोड़ के बाइक बोट घोटाले में निदेशकों सहित 7 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कुछ आरोपी कंपनी में निदेशक जबकि कुछ बतौर प्रमोटर कार्यरत थे। आरोपियों ने अकेले दिल्ली के 8,000 लोगों से लगभग 250 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। भारत के कुछ राज्य भी उनमें शामिल हैं। भारत में दुनिया के दूसरे नंबर पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 44,489 नए मामले देखे गए हैं, जिससे भारत में कोरोना के कुल मामले 266,706 हो गए हैं। साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलाबारी से दहला दिया था। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, मगर ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को भारत की ओर से 93 ऑस्कर्स अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस खबर के वायरल होते ही कंगना रनौत ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मूवी माफिया गैंग अपने घरों में छिपकर बैठी है और जूरी को अपना काम करने दे रही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। अभी फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहे न्याय टीवी के साथ।